शेरो मामा की कहानियां। भगवान पर भरोसा रखो। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में एक व्यक्ति साफ सफाई का काम करता था। वो हमेशा देखा करता था कि हजारों भक्त रोजाना दिन भर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। एक दिन वो सोच रहा था, मेरे प्रभु तो हमेशा दर्शन देने के लिए खड़े रहते हैं, वो कितना थक जाते होंगे। हे प्रभु, आपके पैरों में दर्द होता होगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। केवल एक दिन के लिए आप विश्राम कीजिए और मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। और फिर तुम मेरी जगह कैसे लोगे? भगवान, आप मेरा रूप ले सकते हैं और मुझे आपका रूप दे दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें यहाँ ठीक मेरी तरह खड़ा होना होगा, हर भक्त को मुस्कुराकर आशीर्वाद देना होगा, और हाँ, चाहे जो हो रहा हो, कभी कुछ भी मत कहना और उसे बदलने की कोशिश मत करना, बस केवल देखते रहना। उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी की शर्त मान ली। भगवान ने उसका रूप भी बदल दिया। अगले दिन एक धनवान व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने आया। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा व्यापार बढ़ता ही जाए। जब वो धनवान व्यक्ति मंदिर से वापस गया तो अपनी रुपयों से भरी पेटी वहीं भूल गया। ठीक इसके बाद एक निर्धन व्यक्ति मंदिर आया। हे प्रभु, कृपया इस सिक्के को स्वीकार कीजिए, मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है, मुझे सदैव आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मेरा परिवार भूखा है और मेरे घर की टूटी फूटी छत से पानी टपक रहा है, मुझे आपकी कृपा चाहिए प्रभु। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने रुपयों से भरी वो पेटी थी जो धनवान व्यक्ति भूल गया था। उस गरीब व्यक्ति ने इसे प्रभु की भेंट समझकर ले लिया और भगवान की कृपा से अभिभूत होकर वहां से चला गया। इसी समय वहां एक नौ सैनिक आया। प्रभु, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न कर सकूं। इसी समय वहां वो धनवान व्यक्ति पुलिस के साथ पहुंचा। यही है वो चोर जिसने मेरा रुपयों से भरा संदूक चुराया है। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम हमसे बचकर निकल जाओगे? बताओ, इस आदमी के पैसे तुमने कहाँ छुपाए? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया सर, मेरे पास कोई रुपया नहीं है। अच्छा, तब तो तुमने वो धन अपने किसी साथी को दे दिया होगा जो अब भाग भी गया होगा। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है? धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा से ही हम इस चोर को पकड़ पाए। साफ सफाई का काम करने वाला वो व्यक्ति जो कृष्ण जी का रूप लेकर खड़ा था, अब चुप ना रह सका। उसे लगा कि अब इस नौ सैनिक को बचाना जरूरी हो गया है। रुक जाओ, तुम लोग गलती कर रहे हो, इस नौजवान ने धन नहीं चुराया, धन तो इससे पहले आने वाला एक निर्धन व्यक्ति ले गया। ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ, कृष्णा भगवान। ये नौ सैनिक केवल चोर ही नहीं बल्कि एक धोखेबाज भी है, ये हमें धोखे में डालना चाह रहा है। भला क्या भगवान की मूर्ति से आवाज आ सकती है? इसे गिरफ्तार कर लीजिए तुरंत। उस नौ सैनिक को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। उस सफाई कर्मी को बड़ा दुख हुआ। शाम को भगवान श्री कृष्ण वापस आए। कैसे हो, आज का दिन कैसा रहा? प्रभु, मुझे तो लगा था कि ये बड़ा सरल होगा, लेकिन मुझे बड़ी कठिनाई हुई। मैंने कुछ भला करने की कोशिश की, मगर मैंने ये पाया कि इंसान को तो भगवान पर भरोसा ही नहीं रहा। इसके बाद सफाई कर्मी ने भगवान श्री कृष्ण को धनवान व्यक्ति से लेकर निर्दोष नौसैनिक तक की गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताई और उसे ना बचा पाने का दुख भी बताया। मेरे बच्चे, तुम मेरी योजना पर नहीं चले,
क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें यह विश्वास नहीं है कि मैं सबके दिल की बात जानता हूं? जो धनवान व्यक्ति यहां आया था, उसने वो धन धोखाधड़ी करके प्राप्त किया था। वो रुपए उसके थे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर उस निर्धन व्यक्ति ने जो सिक्का मुझे अर्पित किया, वो उसके पास एक लौता सिक्का था, लेकिन उसने वो सिक्का मुझे पूरी भावना से समर्पित किया। उस नौसैनिक ने भले ही कुछ भी गलत न किया हो, मगर वो आज जिस जहाज से जाने वाला था, वो जहाज खराब मौसम के कारण डूबने वाला है। चूंकि वो नहीं गया, इसलिए वो अपनी जान को खोने से बच गया। बहुत जल्दी पुलिस उससे माफी मांगकर उसे जेल से छोड़ने वाली है। लेकिन ये सब मुझे तो नहीं पता था भगवान। मेरे पास हर व्यक्ति के लिए एक शानदार योजना होती है, लेकिन चूंकि इंसान का विश्वास मुझ में कमजोर होता है, इसलिए वो अपने मन की करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो। हम अपने आसपास जो कुछ भी घटता हुआ देखते हैं, उसके पीछे भगवान की एक योजना छुपी होती है। भगवान हमारी समझ से कहीं ज्यादा बुद्धिमत्ता रखते हैं, इसलिए हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए।